या आप देखेंगे तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी की जो डॉटर है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था तब बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे, अब उससे ज्यादा खुशी बढ़ गई है। बिल्कुल, और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मैं देख रहा था मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे आप। हाँ बिल्कुल, उनके नारे तो हर जगह लगते हैं। हमसे फेवरेट है मोदी जी, फेवरेट है सबके फेवरेट। सोचा था कि राजेंद्र शुक्ल जी डिप्टी सीएम बनेंगे मध्य प्रदेश के? ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल थी, क्योंकि पापा बहुत मेहनत करते हैं और हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनकी। क्या प्रायोरिटी रहेंगी, क्योंकि आप यूथ है तो क्या बातचीत हुई है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी राजेंद्र शुक्ल जी की युवाओं को लेकर खासकर? नहीं नहीं, वो तो सभी को लेके, सबको साथ में लेके चलते हैं और युवाओं में भी डेफिनेटली बहुत उनको भी सहयोग करने के बहुत काम होंगे, हमेशा से जैसे पापा करते हुए आ रहे हैं। और यही और बातचीत करते हैं, कुछ पॉलिसी बनाते हैं कभी जब पापा कुछ काम करना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, हम डिस्कस करते हैं कभी भी कोई पॉलिसी वर्क होता है तो। और मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भी देश भर में पूरे बहुत पॉलिसीज चल रही है और आगे इसका बढ़ावा भी होता रहेगा। माय नेम इज सृष्टि। ये राजेंद्र शुक्ल जी की हम बेटी से बातचीत कर रहे थे, कुछ और परिजन, छोटी सी बच्ची देखिए आप, राजेंद्र शुक्ल जी के ये परिजन है और बच्ची बहुत देर से यहाँ पर कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। क्या नाम है आपका? आदृति पांडे। अच्छा, कहाँ से आए आप? रीवा से। रीवा से आए। राजेंद्र शुक्ल जी के कौन है आप? मंत्री पापा। अच्छा, तो डेप्यूटी सीएम बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए राजेंद्र शुक्ल जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मोदी जी को देखा आपने? मोदी जी को हाँ, फर्स्ट टाइम देखा इतना क्लोजली। अच्छा, मोदी हाँ। मोदी चिल्ला रहे थे आप? हाँ। अच्छा लग रहा था। ये देखिए बटरफ्लाई, आपको मिनी आप बच्चे नजर आएंगे। राजेंद्र शुक्ल जी का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, खुशी बढ़ गई है, दोगुना हो गई है जी, खुशी बढ़ गई है, बिल्कुल दोगुना हो गई है। बच्चे शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया? पूरा हो गया है और बहुत खुशी है हम लोग को। कब बातचीत हुई थी राजेंद्र शुक्ल जी से, क्या कहा था उन्होंने? ऐसा कोई बात नहीं हुई थी कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन बस हम लोग ने टीवी देखा और अचानक से ही पता चला। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में आधी आबादी ने खुलकर वोट किया है? जो वोट मिले उसके हिसाब से बहुत जी जी बहुत ज्यादा उम्मीद है लोगों को, तो उसमें खरे उठने उतरेंगे। अच्छा हाँ, कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। नहीं ना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजेंद्र शुक्ल जी की वाइफ से हम बातचीत कर रहे थे। जीजा जी हैं आप? डॉक्टर मोहन यादव जी के? नहीं नहीं जी, शुक्ला जी। क्या नाम है आपका? अरुण पांडे। अच्छा, साले साहब आज तो मुख्यमंत्री बन गए आपके? हाँ, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आज हम लोग, कब जानकारी लगी थी आपको? हम लोगों को जब मीडिया ने दी जानकारी, मीडिया से ही मिला। पूरा परिवार पहुंचा हुआ है? पूरा परिवार। अब यूथ है, अब सरकार तो कुछ हद तक घर से चलेगी और बड़ी दमक रहेगी, तो युवाओं को लेकर क्या डिमांड है आपकी, क्या उम्मीद लगाए बैठे? आई थिंक मामा जी का हमेशा यही रहा था कि यूथ का विकास होना चाहिए, तो हेल्थ और मेनली यूथ का एजुकेशन और रोजगार पे मैं काम देखना चाहूँगी। अच्छा, बातचीत होती है राजेंद्र शुक्ल जी से आपकी? बिल्कुल होती है। उन्हें गाइड करेंगे आप? जरूरत पड़ेगी तो उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर वो सुनते सबकी है। देखिए ये परिजन है, उनके अपने हैं और बचपन से उनके साथ रहे हैं, अब जबकि डिप्टी सीएम बन गए तो हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। और जिनका कनेक्शन रक्षाबंधन से राजेंद्र शुक्ल जी के, उनकी बड़ी बहन मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना पांडे। अच्छा, आज तो राजेंद्र जी का स्टार चमक गया। बिल्कुल सबका चमक गया, त्योहार मन गया आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? बस जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उसी तरह से निरंतर करते रहे। अच्छा, ये तमाम जो मुख्यमंत्री हों या फिर डेप्यूटी सीएम हों, उनके परिजन हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मिली जुली प्रतिक्रिया है। ये सीधी तस्वीर है, राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से है और सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ और परिजन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या क्या बातचीत हुई थी, कब आपकी बातचीत हुई थी, कैसे जानकारी लगी थी? देवड़ा जी से जी, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मुझे है जानकारी, हम साथ में आए हैं यहाँ। तो कब पता लगा था कि डिप्टी सीएम बनने वाले? मुझे तो टीवी में न्यूज देख रही थी उस दिन, उसी समय टीवी से ही पता चला। अच्छा जी, आप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी बन गए। मैंने कई बार जब वो वित्त मंत्री रहे हैं और जब वो बजट बनाते थे तो आपसे कई बार बातचीत की, आप बड़ा उन्हें सजेस्ट करती थी। आप उप मुख्यमंत्री बने हैं तो किस तरीके से आगे आप गाइड करती रहेंगी और क्या उम्मीदें हैं आपको?
देखिए, पहले तो मैं जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनका आभार प्रकट करना चाह रही हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाह रही हूँ उनका। और बाकी तो जो वरिष्ठ जन हैं वो निर्देश करेंगे, उन्हीं के अनुसार साहब काम करेंगे। ओके, इस बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट किया है एमपी में जी। महिला होने के नाते, गृहिणी होने के नाते, क्या सरकार से आपको उम्मीद है? हमारे जो पूर्व सीएम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो योजना लेके आए थे लाडली बहना, वास्तव में उसी के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से विजित हुई है, और लाडली बहना को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा। जी, एमपी और ज्यादा डेवलप हो, कितना बड़ा आपको गौरवपूर्ण पल लगा आज जब पीएम मोदी के साथ देवराज जी खड़े नजर आए, डिप्टी सीएम की कुर्सी अब उन्हें मिल गई है? मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, शब्द नहीं है, मेरे रोम रोम मतलब प्रफुल्लित हो रहा है। एग्जैक्टली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी है और कह रही है कि शब्द नहीं इनके पास बयां करने के लिए। सीधी तस्वीर है राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री के जो परिजन है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं एमपी का डेवलपमेंट हो, विकास हो, आदि आबादी को पूरा सम्मान मिले और एमपी आत्मनिर्भर बने, ये हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, परिजनों का कहना है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।